हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है, तो अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 9 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग रात का डिनर कुक कर रहे हैं। तो मैं आज फिश करी बनाऊंगी, एकदम बंगाली ट्रेडिशनल पतला मछली झोल। और लुक एट दिस, मेरा मस्कारा खा रहा है ये। देखिए ये मतलब गौर से देखिए इसको, ये छोटू सा पैकेट है पर बहुत बड़ा धमाका है। गौर से देखिए इस शैतान को। गिर गया फिर से। तो ये अपने पापा को परेशान कर रहा है और मैं तब तक कुक कर लेती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी फिश फ्राई करके रख दिया है, यहाँ पे है फिश ऑलरेडी फ्राई है। अनियंस मैंने काट लिया, अभी आलू मैं काटने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, पीस यानी कढ़ाई छोटी यानी मटर, मैं इन सारी चीजों का एक पेस्ट बना लूंगी। अब टमाटो है, चिलीज है, यहाँ पे मैंने ये राइस बैठा दिया है, राइस अभी हो रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डालेंगे, ये जो मिक्सर में जो टोमेटो का पेस्ट लगा हुआ था उसी को, उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हम यहाँ पे डालेंगे। और अभी मैं थोड़ा मीडियम आँच पे इसको कुक करूँगी। और एक बार ये जो पानी है ये सोख हो जाए, उसके बाद एक और बार पानी डाल के बॉयल करके मैं फ़िश को डाल दूँगी। हमारा मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाता है ना सब्जियों के साथ और फिश के साथ, तभी जाके करी अच्छी बनती है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा, इस पानी को थोड़ा सा सूखने दूंगी, उसके बाद फिर से पानी डाल के थोड़ा सा बॉयल करके मैं फ़िश को डालूंगी। और इसे एक मिनट के लिए हम ढक देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इस करी में पानी डाल दिया है और मैंने गैस का फ्लेम भी फुल कर दिया है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो। और मैं इसे 2 मिनट के लिए अभी कवर करूँगी फिर से। और यहाँ पे मेरा राइस में ऑलमोस्ट कुक हो ही रहा है। बाय द वे, मैंने कुक करते मतलब एकदम पहले जब मैंने आलू डाला था तभी मैंने जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया था, तो वो मैं शूट करना भूल गई तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आप थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इस फिश करी में ज़रूर डालना। और एक चीज़, अगर आपके पास अदरक है आपके घर में तो आप अदरक का भी एक पेस्ट बना लीजिएगा, जब आप टमाटर और चिली का पेस्ट बनाते हो उसी टाइम पे। मेरे पास आज घर में अदरक नहीं है इसलिए मैं अदरक डाल नहीं पाई, पर आप ज़रूर डालना अगर आप इस टाइप का फ़िश करी बनाते हो, क्योंकि अदरक का जो स्मेल है और जो एक टेस्ट है मतलब फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है इस फिश करी में। अगर आपके घर में करियंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता को ज़रूर यूज़ कीजिएगा लास्ट में। मेरे घर में आज भी नहीं है और संबित लाना भी भूल गए क्योंकि ये थोड़ा लेट से आए तो इनको दुकान में नहीं मिला। और ये
क्रॉस कर चुके थे स्टार बाज़ार, बिग बाज़ार, सारे बाज़ार, तो ये फिर से रिटर्न नहीं गए क्योंकि लेट भी हो चुका था, तो इसीलिए मैं धनिया पत्ता नहीं डाल पाऊँगी। पर अगर आपके घर में है तो फिश करी में धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी 2 मिनट हो चुका है एंड देख लेते हैं एक बार कि सारे जो वेजिटेबल्स हैं यानी ये गाजर, आलू, ये सब बॉयल हो चुके हैं कि नहीं। यस, सब कुछ बॉयल हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे फिश। तो इस फिश को मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर डाल के फ्राई कर लिया था, तो हम इसे अभी डालेंगे यहाँ पे। फिश डालने के बाद थोड़ा सा जो फ्लेम है वो हम कम कर लेंगे। लास्ट में मैं अभी ऐड करूंगी सॉल्ट स्वाद अनुसार, क्योंकि फिश फ्राई करने के टाइम भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो थोड़ा सा केयरफुली हम ऐड करेंगे। और इसे एक बार लास्ट मिक्स कर देती हूँ। और ये मिक्स कर लिया मैंने, तो अभी हम इसको स्लो फ्लेम में कुक करेंगे ढक के एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक। और यहाँ पे हमारा राइस भी कुक हो चुका है और 5 से 10 मिनट बाद ये भी कुक हो जाएगा। और देखिए किचन में मेरे पैरों के सामने कौन है, संबित, और ये संबित का बेटा सीज़र। लिटिल मॉन्स्टर सीज़र। नींद आ चुकी है उसे? हाँ, इसको भी थोड़ा सा नींद आया है, इतना परेशान करेगा तो नींद तो आएगा ही। इसको उठा के हम लोग अभी इसके बेड पे रख देंगे। चलो सीज़र, मैं छोटू छोटू बेटू अंगरा ही ले रहा है अभी, छोटू सा बच्चा। और यहाँ पे हमारा डिनर रेडी है, काजी नींबू, फिश करी और राइस, सेम मेरा भी। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं अपना डिनर। हाय गाइस, अभी हम लोगों ने डिनर ख़त्म कर लिया है, बहुत ही औसम बना था फिश, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और एक डिफरेंट टेस्ट था आज। नॉर्मली हम लोग वही सरसों वगैरह से खाते हैं लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। नॉर्मली हम लोग हमेशा सरसों से नहीं खाते हैं, मैं सरसों के बिना भी बनाती हूँ। हाँ, ऑनियन से भी खाते हैं। हाँ, ऑनियन एंड टमाटर से। आज का जो ये रेसिपी था ये मेरी मम्मी बनाती थी जब मैं घर में थी, तब ये मम्मी बनाती थी एकदम लाइट पतला मछली झोल, और वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी बना के खिलाती हूँ। थैंक यू। क्योंकि इसको हमेशा एकदम रिच ग्रेवी चाहिए होता है, तो मैंने आज सोचा कि मैं एकदम लाइट कुछ बनाती हूँ जो पेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि डिनर एकदम लाइट होना चाहिए पर हमेशा रिच खाते खाते इसको हमेशा रिच पसंद आता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेजिटेबल्स डाल के एकदम लाइट एक ग्रेवी बना के खिलाती हूँ इसको। अच्छा लगा क्या? अच्छा में लगा तब मैं खुश हूँ। तो और ये हमारा छोटू भाई लेट गए हैं। अभी ये छोटू भाई सो रहा है हमारे साथ, और कल भी रात को ये आके सो गया हमारे साथ। और फिर उसको एक्चुअली हमेशा किसी का टच चाहिए, हमेशा हमारे साथ ही रहता है। एक्चुअली छोटा बच्चा है ना, मतलब एक
टच होने से ये प्रोटेक्टेड फील करता है ना, वरना ये जो बाहर के और जो रास्ते में जो दूसरे स्ट्रीट डॉग्स है वो जब चिल्लाते हैं तब ये थोड़ा सा डर भी जाता है। आप लोग नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपने डिनर में क्या खाया, जो भी खाया होगा वो ज़रूर मुझे बताना और मुझे लिख के ज़रूर बताना। अभी हम लोग देखेंगे क्राइम पेट्रोल, तो क्राइम पेट्रोल देख के हम लोग बाद में बात करते हैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे, टेरिफिक ट्यूसडे टू यू ऑल। बाहर का वेदर आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। मेरे साथ सीजर महाराज है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी ये वाले पर्ल्स जो मैंने, मतलब पर्ल्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मैंने खरीदा था ऑनलाइन। एक खरीदा है मैंने फ्लिपकार्ट से और दूसरा खरीदा है मैंने अमेजोन से। और पीछे पीछे ये आवाज़ आ रही है सीजर महाराज से, जो एकदम मेरे मस्कारा और मेरे ट्राइपॉड बैग के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। पता है आप लोगों को कि सीजर ने ऑलरेडी इन बॉक्सेस को ऐसे काट के रखा है। उफ, इस बड़े वाले बॉक्स में क्या है ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ और फिर ये छोटा वाला बॉक्स हम देखेंगे। तो इस बॉक्स में एक ज्वेलरी है, एक पूरा सेट है और ऐसे पैक होके आया था। ये मैंने शायद फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और अगर हो सके मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तब आप चेक कर सकते हो। मतलब ये वाला जो सेट है ये बहुत ज़्यादा अभी फैशन में है, ग्रीन बीड्स का सेट। तो ये हर एक ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो। ये थोड़ा सा गॉडी गॉडी है, तो ओकेशन शादी या कोई भी हेवी ओकेशन, मतलब कोई भी ओकेशन जहाँ पे आपको हेवी ज्वेलरी पहननी है वहाँ पे आप पहन सकते हो। और इस मांग टीका को पहन के मैंने एक वेडिंग मेकअप ट्यूटोरियल भी किया था। ये मांग टीका अकेला ही काफ़ी था मेरे फुल लुक को एनहेंस करने के लिए। तो ये सेट मैंने ख़रीदा था और ये शायद 800 या 900 रुपए का है, जिसमें आपको मिलता है चार चीज़ें। ये झुमके मतलब चांद वाली, ये गले का चोकर, और ये चोकर इतना बड़ा है कि ये नेकलेस का काम भी कर देता है, और ये मांग टीका। ये प्यारा है, बहुत ही अच्छा सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ज़रूर खरीदिए। क्योंकि मैंने कॉमर्शियल में भी ऐसे सेट्स देखे थे और मैंने बार्गेनिंग की थी, तो लोएस्ट आया था 1100 तक, पर ये मुझे 800 या 900 में मिला विद डिलीवरी चार्जेस, घर में आके डिलीवर करके गए, तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल हुआ मेरे लिए। तो ये है पहला वाला सेट, तो इसे हम साइड में रख देते हैं अभी। और ये है दूसरा वाला सेट, ये थोड़ा सा सिंपल है। और ये जो सेट है ये साड़ी या फिर एथनिक वेयर के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। ये सिंपल सेट पर्ल और कुंदन का सेट है, बहुत बहुत ये वाला सेट क्लासी है, ये मुझे बहुत क्लासी लगा, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। ये चोकर है जो नेकलेस का काम भी करता है और दो कानों का इयररिंग, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और ये 300 या 400 का था, 400 से ज़्यादा नहीं था। मैं कब से सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ये ज्वेलरी शॉपिंग शेयर करूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई है होम डेकोर के लिए, जो अभी तो 2-3 महीना होने को आया है कि मैंने मंगवा लिया है। और फाइनली मैंने आज ये ज्वेलरी का हॉल कर लिया थैंक्स टू सीजर, क्योंकि वो वहाँ पे ज्वेलरी के बॉक्स को काट रहा था तभी मुझे याद आया कि पूरा ये बॉक्स फिनिश हो जाए उससे पहले मैं ये वीडियो दिखा ही देती हूँ आप लोगों को। तो आई होप सो कि आपका ये वीक बहुत अच्छे से जाएगा। हैप्पी ट्यूसडे वंस अगेन, और लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फॉलो कर सकता फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट पे, वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और स्टोरीज भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं स्टोरीज हमेशा पोस्ट करती रहती हूँ। बाय, स्टे ब्लेस्ड।